हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। सो यार फाइनली बैक विद अनदर अनदर व्लॉग। और तुम लोगों को पता लग रहा होगा कि पापा पापी की रोह आ गई मेरे में, आ गई होगी। तो यार ये देखो, पानी भरना पड़ रहा है इसमें। देखो ये लाज जा रहे हमारे, ओए छप्पड़ बना पड़ेगा यहाँ पे। मशीन में पानी बहुत कम है इसलिए हम ऐसे डालते हैं, तो जब मशीन ऑटोमेटिक चलना शुरू होगी हम साथ ही पानी बंद कर देंगे, नीचे चल जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। सोने यहाँ मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। और तुम लोग आज का माहौल देख सकते हो, फुल धुंध, हल्की हल्की धुंध आ रही है। देखो वो पूरी वो फॉग नजर आ रही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और दीवारें सारी गीली की हुई है। अच्छा हमको सिखा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बारिश ने किया। इतना समझना, पूरा ग्रीन टाउन गीला है, पूरा फैसलाबाद गीला है, पूरा इस्लामाबाद गीला है, पूरा रावलपिंडी गीला है, पूरा पाकिस्तान गीला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर वो सामने देखो, ये कबूतर पड़े हैं यहाँ पे। कबूतर हमें एंटरटेन करने के लिए आ चुके हैं और अच्छा हम यहाँ बैठे व्लॉग बना रहे हैं। तो फिर ठीक है, फिलहाल तो हम आपको सीन नहीं है कुछ करने का, लेकिन अगर करना पड़ेगा तो हम देख लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर यार अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे कमरे में, तो फिर मामा ने मुझे खाना बना दिया, तो मामा के साथ बैठ के क्योंकि मामा खाना बना रहे हैं, हम किचन में बैठ के खाना खाएंगे। तुम लोगों को दिखाते हैं, इग्नोर करना। ये हमारा आ गया पराठा, तो मामा खड़ी, मामा खाना बना रही है, हम केचप के साथ खाएंगे। पता नहीं मुझे केचप बहुत, मुझे ना केचप कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं हर चीज़ केचप केचप के साथ खाता हूँ, मैं सुबह से हर चीज़ केचप के साथ खा लेता हूँ। मुझे पसंद है, पता नहीं घर वाले तो नहीं कहते रहे, बहुत शौकीन होते हैं। एक चावल और केचप जरूर खा लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा। फिलहाल चलो ये खाते हैं और फिर बाहर में तुम लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है, फुल ठंड पड़ी है बाहर। तुम लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं, पहले मैं खाना खाऊंगी। फिलहाल हम जा नीचे जा रहे हैं, बाइक की हालत देखने जा रही है, बाइक की हालत क्या आ रही है। ओए होए ओए 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 चेक करो। अच्छा ऊपर से सारा टैंकी टूंकी साफ थी, मैंने टैंकी बड़ी बचा के रखी थी। ये क्या है? कल मैंने सारे दिन बाइक नहीं निकाली तो इसकी टैंकी जरा मुश्कारे मार रही, माशाल्लाह बच गई है। ऊपर से सारी साफ है, नीचे से उतनी गंदी है। देखो ये सारा कीचड़, ये सारा यहाँ कीचड़ फंसा पड़ा अंदर तक, कीचड़ सारा। मैं तो पूरी कल बारिश में घूमती रही, इसको क्या मसला। हमारे घर के सामने छप्पड़ बन चुका है, एक ये छप्पड़ वो पूरा, वैसे वहाँ हमने खुदाई दोबारा की तो ये दोबारा जारी दोबारा बार। और ये हमारे माशाल्लाह पौधे हैं जिनको साल भर पानी नसीब होता हो गया होगा। और ये सारा हमारे हमारा घर नुक्कड़ पे, तो सारा घर हमारी गली में आता है। दीज आर द सीजंस ऑफ माय गली। हमारा गटर फिर बंद है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता नहीं गटर कब खुलाएंगे साले। और फिलहाल बांटो भाई घर के अंदर खड़ी है, और अभी यार हमारा घर बाहर जाने के निकलने का कोई मूड नहीं है। अभी हम थोड़ी देर तक जाएंगे और जाके हम अल्लाह खैर करे कोई भी दोस्त मिल गया उसके साथ हमने पार्क जाना है, जाके हमने बैठ जाना, और हमने कुछ नहीं करना क्योंकि अब सुबह से बोटा था, नींद ज़्यादा आ रही। सुबह 6 बजे व्लॉग पोस्ट करना, खाने से कबाड़ा नहीं होता, रात का एडिटिंग करके सोना, खाने से कबाड़ा नहीं होता। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो तुम लोग, फिर कहते हो व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा, बाहर तो कर लो कुछ। वंटो के साथ माड़ी हुई ऐसे, बहुत माड़ी वंटो भाई के साथ हुई। देखो ये भी यहाँ भी देखो सारा पानी, यहाँ तक पानी ऊपर तक आया हुआ है। चलो मेरी ऊपर से ज़रा साफ थी, ये साफ सुथरी जगह से, बस नीचे से गंदी है। हफ्ते हम हफ्ते बाद इसको सरस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का आज बर्थडे है ना, तो जो है 3 दिन बाद हम उनको सरस कर देंगे। जुम्मे को मिलकर जुम्मे रात को सरस कर देना, क्योंकि जितनी गंदी है ना उनको 3 दिन बाद सरस करना पड़ता है। गंदी बहुत अब लेकिन लिक्विड टायर फुल ब्लैक, टायर ब्लैक अच्छे खासे लग रहे हैं, आधे ब्लैक और आधे सतरंगी, सतरंगी टायर। फिलहाल दोबारा ऊपर जा रहे हैं, काम है आपको जाएंगे ऊपर। चलो यार अभी हम तैयार हो गए हैं, दो डबल जैकेट पहनी ताकि ठंड ना लगे,
बॉय। और अभी हम क्लिनिक पे जा रहे हैं क्योंकि पापा ने घर आके खाना खाना है, तो हम क्लिनिक पे चलते हैं और तुम लोगों को क्लोनी की सूरत हाल दिखाते हैं कि यार चलो यहाँ तो पानी है ना, लेकिन पूरी क्लोनी क्या सूरत हाल है। और हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाइकें दोनों गंदी बहुत ज़्यादा हुई हैं, चलाने की दिल नहीं कर रहा। चलो चलते हैं जरा दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। डबल डबल जैकेट पहनी है बेटे, मैं गई हूँ कल व्लॉग नहीं आता, मैं गया समझो, नहीं फिसल रहे बाजू के बढ़िया। देख लो बेटा घरों के सामने पानी जमा हो बड़ा अच्छा वाला, और यहाँ चिक्कर अच्छा खासा जमा अपना, क्या करें कॉलोनी का है ना, ये प्लाट वगैरह में पानी नहीं होता, घर के सामने अक्सर पानी होता है, लेकिन यहाँ वक्रा साहब है, प्लाट के सामने पानी, घर के सामने पानी को नहीं है, तो ये जरा है उल्टा माहौल है। और तुम लोगों को क्लिनिक दो चार बातें करनी, क्लिनिक जाकर तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह तुम लोगों को समझ नहीं आनी, प्लाट देखो पानी वानी हुआ पड़ा, देखो। लो जी अभी मैं घर आ गया था और अभी भी बिस्तर में लेटा पड़ा हूँ, और वाकई यार आज नींद बहुत आ रही है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ गया था यार। कंट्रोल यार क्या नींद आती है, रात को सोएंगे फिर। हाल है भाई प्रोग्राम कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब का जो है ना अपना तस्वीरें चेंज कर रहा था, मतलब कि वो होता है जो ऊपर बैनर लगा होता है और जो फाइल पिक्चर होती है वो चेंज करने लगा, मैं नहीं बना ली मैंने, वो दिखाऊंगा तुम लोगों को जब लगे, खुद देख लेना तुम लोग यार। और अभी तो फिलहाल लेटा पड़ा हूँ, ये देख लो बिस्तर में आया पड़ा हूँ, उसको इग्नोर करो पेंट पड़ी हुई है, तो जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं कहाँ जाता हूँ। ओके तो बेटे तू मुझे उठा के ले क्या है इस टाइम, देख ले तुम व्लॉग कर रहे हो तो मैं करना ही, मैं भाई मेरा काम है मैंने करना नहीं, और मैंने व्लॉगिंग छोड़ बाहर जाके इंट्रो करते हैं दूसरे चैनल। भाई ये मुझे करा रहा है चैलेंजिंग वीडियो करा रहा है, कौन कौन सी करनी बता, बहुत ज्यादा आ रही है, आप दूसरे चैनल पे जाना। हाँ दूसरे चैनल पे देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फेंक दूंगा, ठीक है। ठीक है डन कर, डन है ओके कर, तो नहीं चलो बेटा। तो गाइस अभी हम पार्क जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ, छोड़ दे यार। यार हम जा रहे हैं जरा वीडियो बनाने के लिए, ये सामान सब मुझे उठा के ले आए इतनी सर्दी में, बाल मेरे बिखरे पड़े हैं, तुम लोगों को पता है मैं बेड पे लेटा हुआ सो रहा था, इंसाफ की कॉल आके मुझे उठ के आना पड़ गया, देखो कितनी ज्यादती करता है मेरे साथ, ये तो शुक्र मेरे भाई नहीं वरना रात में ऐसा क्या करेगा। तो फिर यार कल की मैं वीडियो ना एंड करना भूल गया था, क्योंकि मैं तुम्हें पता है मुझे ले गया था वो सामान लेके चला गया था, उसके बाद घर आके मैं सो गया था क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर मैं 9 बजे उठा हूँ, मैंने खाना शाना खाया रात का, चाय शाय भी है, उसके बाद फिर मैं व्लॉग डाल के उस टाइम पोस्ट किया, फिर मैं सो गया, बस ये किया कल का मैंने काम, इसलिए मैंने कहा चलो आउटरो कर लेते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि तुम लोगों को नई वीडियो मिलती रहा करे, क्योंकि डेली व्लॉगिंग चल रही है भाई, मतलब सबको पता है डेली व्लॉगिंग चल रही है, पिछले हफ्ते से व्लॉग कर रहा हूँ, और सही बताओ माशाल्लाह व्यू तुम लोग अच्छे दे रहे हो, लेकिन कमेंट भी कर दिया करो अच्छा कैसा लगता है व्लॉग, कैसा नहीं लगता, फिर उससे होता तुम लोगों को मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है, अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ मुझे मोटिवेशन मिल रही थी बना रहा हूँ, ऐसा तो कोई क्षण नहीं बना रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।